मध्य प्रदेश में गुना जिले के राघोगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हथियारबंद चोर गिरोह की सक्रियता, स्मैक सहित मादक पदार्थों और जुए सट्टे के फलते फूलते हुए कारोबार के विरोध में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने मंगलवार को आम नागरिकों के साथ SBI शाखा राघोगढ़ के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान SDM के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक जयवर्धन सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अपराधी बेखौफ हैं। चोरी की वारदात से भयभीत लोग रात के समय हाथों में लाठियां लेकर अपने अपने घरों की सुरक्षा करने के लिए मजबूर हैं। इस प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जयवर्धन सिंह आक्रोशित नजर आए। उन्होंने SDM और SDOP को बताया कि पूर्व में जानकारी देने के बावजूद JP कॉलेज के पीछे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अब तक नहीं खदेड़ा गया है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक उन्हें यह बताया गया है कि बारिश के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। राघोगढ़ के सभी नागरिक द्वारा बस स्टैंड से लेके तहसील तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। पिछले कुछ दिनों में जो प्रतिदिन बाहर के लोगों द्वारा चोरी और लूटपाट की जा रही है, उससे पूरा शहर परेशान है, त्रस्त है। 3 दिन पहले तो ऐसा माहौल बन गया था कि साडा, बरखेड़ी, वार्ड नंबर 2 और अनेक और मोहल्लों के लोग स्वयं बाहर सड़कों पे आ गए थे शहर की रक्षा करने के लिए। ऐसी घटना कमलपुरा पाटाई रामनगर रोड पर भी घटी थी और कहीं ना कहीं अगर नागरिक स्वयं नट्स लेकर शहर की रक्षा कर रहे हैं, उसका अर्थ ये होता है कि जो काम पुलिस प्रशासन का है वो पूरा फेल हो गया है। मैंने इसीलिए आज SDM मैडम से, SDOP मैडम से, तहसीलदार साहब और TI साहब से यही निवेदन किया है। हमने इनको 20 दिन पहले जानकारी दी थी कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है और उन्हीं लोगों के द्वारा लगातार प्रतिदिन शहर के अंदर आकर गदर मच रहा है। लेकिन मेरे चर्चा के बावजूद